आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी तीन इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, या आप ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो चुके हैं, और या फिर आप इन सब के माँ बाप हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी नई अपॉर्चुनिटीज खोलने वाला है अगर आप इसको सही से सुनते हैं और अपनी लाइफ में अपने तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो यार देखो, बात करते हैं कुछ ऐसे डोमेन्स। कुछ डोमेन्स होते हैं जो कि स्कूल्स और कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं कवर करे जाते। हालांकि मैं मानता हूं मेरी एज बहुत कम है ये बात बोलने के लिए, लेकिन जितनी भी मेरी एज रही है, जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे आपको कुछ मदद जरूर हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि जो मैं इस वीडियो में बोलूं या जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स या जो भी आप सुनते हैं एक्सपीरियंसेस लोगों के, उसको आप एज इट इज कॉपी कर लें। इसी बात पर मुझे एक कहावत याद आती है जो कि मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते रहते हैं अक्सर, कि डूबने वाले को एक कश्ती भी नहीं बचा सकती, और जिसमें तैरने की चाह होती है उसको एक तिनका भी काफी है। तो वैसे ही ये एक्सपीरियंसेस, ये वीडियो जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक गाइड बन सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं, लेकिन इसको एक पैरामीटर बना के आप अगर अपनी लाइफ को चलाने लगेंगे तो वो गलत होगा। तो इनको इंप्लीमेंट करना, आपके तरीके से इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, जिस करियर पे आपको जाना है, जहां तक पहुंचना है, वो टोटली आप पे है। तो आज बात करते हैं इन तीन स्किल्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आपकी सक्सेसफुल लाइफ के और पास ले जाएगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको मिलता हूं मैं वीडियो। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ 5 मिनट ज्ञान, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मच नीडेड टॉपिक्स 5 मिनट में। तो इस सीरीज को पूरा फॉलो करने के लिए मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आज के 5 मिनट ज्ञान का टॉपिक है तीन ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपके सक्सेसफुल होने में। पहली ऐसी स्किल है नॉलेज ऑफ योर सराउंडिंग, यानी अपनी सराउंडिंग की पूरी तरीके से नॉलेज रखना। आप बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ये तो काफी लल्लू सी स्किल है। वेल, मैं कहता हूं ये लल्लू सी स्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप सही से देखें, 360 डिग्री व्यू लें अपने सोसाइटी का, अपने समाज का जहां पे आप रह रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ आप और आपके माँ बाप आपका भला चाहते हैं। बाकी इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो आपको खाने के लिए बैठे हैं। आप एग्जाम्पल ले लें कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या हॉस्पिटल वाले आपका ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपका खुद का लॉयर आपको इतनी तारीख दिलवाता रहता है, तारीख पे तारीख दिलवाता रहता है कि उसके पैसे बनते रहे। आप और बेसिक चले जाएं, अगर आपको कॉलेज जाना है तो सबसे पहले आपको 20 लाख रुपए फीस देनी है। भाई ऐसा क्या करा रहे हो कॉलेज में जो 20 लाख रुपए तुम्हें चाहिए? तुम्हारी डिग्री से तो प्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है आजकल। तो ये सब तो हो गए बहुत ही बेसिक से एग्जांपल्स। अगर आप रियल सिनेरियो में उतरोगे, रियल मार्केट में उतरोगे, तो हर कोने में जिस आदमी से आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो कुछ ना कुछ आपका नुकसान चाहता है और अपना फायदा चाहता है। तो अब करा क्या जाए? कमरे में बैठ के ऐसे ही बंद करके रो तो नहीं सकते कि नहीं यार मैं नहीं बाहर निकलूंगा? वेल, मैं कहता हूं कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, बुद्धू बनो, बेवकूफ बनो, और जितना अपने आप को यूज करवाना है करवाओ, बिकॉज उसी से आप सीखोगे। जितना जल्दी आप बेवकूफ बनोगे, जितना जल्दी आप बुद्धू बनोगे, उसी से आप सीखोगे, उसी से आप मैच्योर बनोगे। स्टार्ट करो कॉलेज के दिनों से, अपने कॉलेज फ्रेंड से कुछ सीखो। कॉलेज में तो इतने लोग आते हैं, इतनी जगहों से आते हैं, वहां से तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आपका दिल टूटता है कॉलेज में, दिल टूटने से कुछ सीखो। तो इसी तरीके से अपना धीरे धीरे जो स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड करो। जैसे कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी आदमी है उससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरे लिए पर्सनली बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरी जॉब में 2 साल, बिकॉज मेरी जॉब में मैं काफी जगह रहा 2 साल। मैं बैंगलोर रहा, मैं चेन्नई रहा, मैं हैदराबाद रहा, मैं होसूर रहा, मैं गुड़गांव रहा, मैं बनारस रहा। तो मैं 6-7 सिटीज रहा जहां पे मुझे इतने टाइप के लोग मिले, और मुझे ये पता लगा कि यार हर आदमी में कुछ ना कुछ अलग चीज है सीखने वाली। तो उस चीज से मैंने काफी कुछ सीखा। बट यार देखो, यहां पे सीखने और हर कुछ सुनने की बात में डिफरेंस होता है। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको पुल डाउन करेंगे, और ऐसे लोग जिनकी वर्ड्स की बहुत पावर है, जिनकी बात मानी जाती है, वो आपको जेन्युइनली खींचने की कोशिश करेंगे। आपको कहेंगे नहीं यार, 40 साल से पहले आप अमीर हो ही नहीं सकते, 50 साल से पहले आप अमीर हो ही नहीं सकते। और ऐसे लोग आपके चारों ओर हैं, बिलीव मी, जो खुद कुछ नहीं उखाड़ पाते तो दूसरों को नीचे करते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाया तो ये किस खेती मूली है। तो ऐसे लोगों की नहीं माननी है, समझ रहे हैं बात? क्योंकि यार देखो, हम लोगों को क्या करा गया है, हमें बचपन से एक कंधे पे बैग डाल दिया गया है जिसमें हजारों लोग हमें सिखा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, और उस ठेले को हम लेके जिंदगी भर चलते रहते हैं। खुद का बिजनेस करोगे तो डूब जाओगे, अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो सरकारी नौकरी ही करनी है, ये सेक्टर अच्छा है, ये लाइन में बहुत स्कोप है। मैं कहता हूं बकवास।
ये सब बकवास है, सब आउटडेटेड है, बिकॉज आज की जिस वॉलेटाइल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतने चेंजेस आ रहे हैं, हर टाइम नीड चेंज हो रही है, हर मोमेंट डिमांड चेंज हो रही है, लोगों की पूरी डायनेमिक्स बदल रही है, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि यही सेट लाइन ऑफ एक्शन मुझे फॉलो करना है वही करने के लिए? यार ये 30 साल पहले तक होता था, आज की डेट में ये सब नहीं चलता, और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अगर आपको पेरेंट्स को समझानी है तो समझानी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है इस चीज का। तो बात यह है कि यार हो सकता है आप जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, 5 साल बाद, बिलीव मी, बहुत हाई चांसेस हैं कि 5 साल बाद उसका कुछ भी यूज ना हो, यह बात आप ध्यान रखो। तो चेक योर सराउंडिंग्स, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। अब करते हैं दूसरी स्किल की बात। तो भैया देखो, अगर एक स्किल जो कि इस युग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ये स्किल है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। जनाब इसके बिना इस युग में काम नहीं चलना है आपका। अगर आपको अपने करियर को एलिवेट करना है, अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अगर आपको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, उसके लिए इस पे आपको पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर अलग अलग प्रोफेशंस कोई देख लें, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, मैनेजमेंट, कोई भी एक्स वाई जेड लाइन देख लेते हैं हम, तो मैं मानता हूं इनिशियली तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल स्किल्स अच्छी होना। प्रोफेशनल स्किल्स प्रायोरिटी रहती है शुरुआत में, बिकॉज आपको सिलेक्शन करवाना है अपना, एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर करना है, तो प्रोफेशनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ओवर अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज अब आपको इंटरव्यू में बैठना है, अब आपको खुद को बेचना है किसी और को, अब आपको लोगों को कन्विंस करना है, अब आपको एक टीम को मैनेज करना है। अगर आप टीम लीडर और कैप्टन बनना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स से। और आज का जो जमाना है, विदाउट कम्युनिकेशन अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाती। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, जैसे 5 मिनट ज्ञान का नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है मैं सॉफ्ट स्किल्स पे बनाऊं, बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं सॉफ्ट स्किल्स को सिर्फ और सिर्फ बोलने के तरीके से, या बोलना आना चाहिए, वो चीज नहीं है, उसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, मैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जरूर उसको भी देखें। बात करते हैं, अगर यार आप वो व्यक्ति हैं जो 500 लोगों में ऐसे हाथ उठा के क्वेश्चन नहीं कर सकते या आंसर नहीं दे सकते, डर लगता है, तो भाई मैं भी एग्जैक्टली सेम था। हम सब नॉर्मल पर्सन है, हम सब बाय बर्थ ऐसे नहीं निकले हैं कि हम कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल दें, हल्ला बोल दें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम एक्स्ट्रोवर्ट ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्किल्स डेवलप करी जाती हैं, तो भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, डर के काम नहीं चलने वाला है, ये चेंज करना पड़ेगा आपको जनाब, इसमें कुछ भी नहीं करा जा सकता। तो अब बात आती है कैसे चेंज करें, तो देखो यार प्रैक्टिस। जिंदगी में किसी भी चीज से डर लग रहा हो, मैं ज्ञान दे रहा हूं इस टाइम पे, जिंदगी में किसी भी चीज से डर लग रहा हो, प्रैक्टिस मूल मंत्र है। लड़की से बात करने में डर लग रहा है, लड़कियों से ही बात करो जाके यार, सीधा जाओ लड़कियों से बात करो, 10 लड़कियों से बात करोगे 11वीं लड़की इंप्रेस होगी जाके आपसे। अगर आपको कैमरे के सामने बोलने में डर लग रहा है, जैसा मुझे लगता था पहले, कैमरे के सामने ही बोलो, डर हट जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस। लोगों से बात करने में डर लगता है, एंटी सोशल हो, लोगों से बात करो जाके, चेप हो जाओ एकदम। लेकिन अल्टीमेट मोटिव क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएंगे अपनी। तो इस लेवल का मोटिवेशन खुद से लाना चाहिए, खुद से आना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक है बट मैं ये बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में करी थी जब मैं कॉलेज में था, मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो है कि यार शीशे का पूरा सदुपयोग करें। शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं और एक टॉपिक ले लें और आधे घंटे बोलते रहें, जिसको बोलते हैं ब्लैबरिंग। ये मैंने बहुत करा है और इसका बहुत फायदा होता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि खुद को देख के बोलना इज द टफेस्ट थिंग। आप दुनिया के सामने बोल सकते हो लेकिन खुद को देख के, खुद के एक्सप्रेशंस देख के बोलना इज द टफेस्ट थिंग। अगर आपने उस पर कमांड हासिल कर ली, आप कहीं भी डिलीवर कर लोगे स्पीच, जो भी आपको बोलना है आप डिलीवर कर लोगे। तो इसलिए इस चीज पे प्रैक्टिस करो, मैंने प्रैक्टिस करी है, बहुत कमाल रिजल्ट्स हैं इसमें, रूटीन बना लो, आधे घंटे शीशे के सामने बड़बड़ करना ही है। लोग पागल समझे, दुनिया पागल समझे, तुम लगे रहो, क्योंकि तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करनी है, ये ठान लेना है, बिकॉज इसके बिना काम नहीं चलने वाला करियर में ग्रोथ के लिए। तो ये थी हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल जिसपे आपको फोकस करना है। तो अब बात करते हैं तीसरी स्किल की, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं, ये है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो देखो यार, आज की डेट में हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, वहां पे हमने बचपन से स्कूल में लाखों रुपए खर्चा कर दिए अपनी पढ़ाई पे, उसके बाद हमें जेई करना था, नीट करना था, क्लैट करना था, उसकी कोचिंग करने में लाखों रुपए उड़वा दिए मम्मी पापा के, उसके बाद हमें कॉलेज जाना था, वहां पे बीसीओ लाख उड़वा दिए, मिला कुछ नहीं। डिग्री के साथ अगर आपने अच्छे कॉलेज से आज की डेट में नहीं लिया है कोई भी डिग्री, तो आपको कुछ नहीं मिलता, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन वेन, और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी।
तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि हम हर उस चीज में खर्चा करते हैं जो कि शायद हमें रिजल्ट ना दे, सिर्फ इस बेसिस पे, बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो यार ये तो करना ही है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है तो लेनी ही है। लेकिन जब बात आती है 5,000 रुपए का कोर्स की एंटरप्रेन्योरशिप पे या वीडियो एडिटिंग पे या किसी भी स्किल पे जो आप डेवलप करना चाहते हो, तो आप क्या सोचते हो, नहीं भाई ये तो बहुत महंगा है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यार ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है, आपको नहीं करना मत करो। मैं यहां पे कोई कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही भाई कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है मुझे कि भाई मेरे कोर्स को प्रमोट करो। द पॉइंट इज कि मैं आज दिन तक इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करता हूं, आज की डेट में भी मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं, भले ही सस्ते सस्ते चल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ साइड बाय साइड सीख रहा हूं। तो इससे क्या हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इंप्रूव कर रहा हूं, भले ही छोटे से कोर्सेज कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, बट कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहा हूं। अगर आपको बिलीव ना हो, अगर आप विश्वास ना कर रहे हो, तो आप जाके इस वीडियो के बाद सबसे पहले देखें जाके मेरा व्लॉग 1 जो कि मैंने डाला था 14 अगस्त 2020 को, पहला व्लॉग था मेरा। उसमें जाके आप मेरी एडिटिंग स्किल्स देखें, उसमें जाके आप मेरी कॉन्फिडेंस को देखें, जिस तरीके से मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, और वीडियो क्वालिटी देखें आप जाके, और फिर इस वीडियो को देखें आके। जमीन आसमान का फर्क है, यू कैन नॉट इवन कंपेयर। दिस इज बिकॉज मैं इस बीच सीखता रहा हूं, मैं इस बीच कुछ ना कुछ एडिटिंग स्किल्स, कुछ ना कुछ बोलने के तरीके में चेंज कर रहा हूं, सीख रहा हूं। सो दिस इज ओनली पॉसिबल अगर आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और आजकल तो यार टर्म ही चल रहा है सोलोप्रेन्योर। सोलोप्रेन्योर एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ज्यादा आजकल सुर्खियों में है, बिकॉज दीज पीपल आर दोज पीपल जो कि किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने स्टार्टअप का A to Z काम खुद कर सकते हैं। खुद कर सकने में और खुद करने में बहुत डिफरेंस है। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो तो कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। तो इसलिए हर स्किल सीखनी है तो आपको खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। 5,000-10,000 कोई वैल्यू नहीं रखता अगर आपको वो नॉलेज मिल रही है, अगर आपको वो स्किल मिल रही है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। तो ये थे मेरे 3 पॉइंट। आई होप आप लोगों को सही लगे होंगे पॉइंट्स। बताना जरूर कमेंट में कैसे लगे हैं ये पॉइंट्स। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने देखा जो कंटेंट था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको मैं जितना स्क्वीज कर पाया हूं मैंने करा है, बट आई नो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो अगली बार से मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट में ही कंप्राइज करने की। लेकिन अब 3 पॉइंट्स को अगर मैं समराइज कर दूं तो यार ये है कि इस धरती पर यह ध्यान रखना, तुम और तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता, ठीक है। और इस चक्कर में ये नहीं करना है कि यार तुम कुछ करो मत, इस चक्कर में गो एंड फेल, गो एंड एक्सप्लोर। क्योंकि एक्सप्लोर करोगे, फेल करोगे, तभी एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी लर्निंग मिलेगी, तभी अगली बार फेल नहीं करोगे। एंड अगर कोई माँ बाप, कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अपने बच्चों को प्लीज एक्सप्लोर करने दें। और अल्टीमेटली लास्ट में ये बोलूंगा यार, तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारे ड्रीम है, डोंट वेस्ट योर टाइम कन्विंसिंग द सोसाइटी। तो देखो यार, सोसाइटी कहेगी जो उसे कहना है, तुम सोसाइटी को समझाने के लिए टाइम मत वेस्ट करो। टाइम करना है अगर वेस्ट तो अपने काम पे करो वेस्ट, अपनी स्किल्स एनहांस करने में वेस्ट करो, अपनी स्किल्स बिल्ड करने में वेस्ट करो। तो दिस इज इट फ्रॉम 5 मिनट ज्ञान, आज का एपिसोड। आज मैंने बहुत मेहनत करी है इस एपिसोड पे, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये एपिसोड। और प्लीज कमेंट करके बता दें कैसा लगा, और आगे कोई 5 मिनट के ज्ञान के टॉपिक्स आपको बताने हैं वो भी बता दें। प्लीज चेक आउट ऑल माय वीडियोस, ये 3रा एपिसोड है, आगे भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल दिस पॉइंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग, गॉड नोज क्या होगा, बट जो भी होगा मैं वहां रहूंगा, एंड आई होप टू सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।